बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने फॉर्म में आई हुई हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने विचार रखने से वो पीछे नहीं हट रही हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले डायरेक्टर नितेश तिवारी ने रामायण की घोषणा की थी। उसमें बताया था कि वो फिल्म में राम रणबीर कपूर को बनाएंगे और आलिया भट्ट सीता बनेंगी। इसके अलावा रावण के रोल में साउथ सुपरस्टार नजर आएंगे। इसके लिए कंगना ने पोस्ट शेयर कर लिखा था कि कैसा कलयुग आ गया है, न जाने किस तरह के एक्टर्स ऐतिहासिक फिल्मों में लिए जा रहे हैं। अब इस बार जो कंगना ने पोस्ट शेयर की है उसमें उन्होंने ऋतिक रोशन संग उनकी लड़ाई में कूदे कुछ एक्टर्स और डायरेक्टर्स की क्लास लगाई है। कंगना ने लिखा है, बीते दिन जो मैंने पोस्ट शेयर की थी उसके आगे की ही कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इंडस्ट्री में दुर्योधन और शकुनी की जोड़ी सबसे खराब है। खुद को ये फिल्म इंडस्ट्री के गॉसिप मिनिस्टर कहते हैं, जबकि दोनों ही जलनखोर और इनसिक्योर इंसान हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ये बात जानती है। ये दोनों ही सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के पीछे रहे। इन दोनों ने ही उसको ये सब करने के लिए उकसाया था। इन दोनों ने मिलकर मेरे बारे में भी बहुत कुछ खराब बोला। इससे पहले ही दोनों मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते रहे और करियर में मुझे हैरेस करते रहे। जब मैंने मेरे खिलाफ हो रही चीज़ों को लेकर पब्लिक में खुलकर बोला तो ये दोनों कुछ समय के लिए चुप बैठ गए। मैं आज जहाँ हूँ शायद खराब स्थिति में हो सकती हूँ, पर मैं आज ये वचन लेती हूँ कि जिस दिन मैं पावर में आई इन दोनों की इल्लीगल चीज़ों के बारे में खुलासा करूँगी। किस तरह की डार्क वेब हैकिंग और इल्लीगल चीज़ों में ये दोनों हैं मैं सब कुछ बताऊँगी। इतना कुछ है इन दोनों के बारे में कि दोनों जेल तक जा सकते हैं। आप सभी लोगों का शुक्रिया, इतनी शांति से आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। आज के समय में दोनों के करियर नीचे की ओर जा रहे हैं तो ये दोनों अचानक से अपनी पर्सनल लाइफ पर गौर करने लगे। इससे पहले दोनों के साथ काम करने में भी बहुत मुश्किलें लोगों को झेलनी पड़ती थी। आज के समय में सोशल मीडिया ही न्यूज़ का एकमात्र जरिया है जो लोगों तक सिर्फ सच्चाई पहुँचा रहा है। इंटरनेट के जरिए मैं खुलकर अपनी बात कह पा रही हूँ। मेरे शब्दों का हेर फेर नहीं होता, वरना इन लोगों ने मुझे नीचे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कंगना रनौत ने अपनी इस पोस्ट में किसी एक्टर डायरेक्टर का नाम तो नहीं लिया, सिर्फ निशाना साधा है। हालांकि जो लोग समझदार हैं वो समझ गए होंगे कि आखिर कंगना किन दो लोगों के बारे में सब लिख रही हैं।